नासई रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। कल इस विषय में चर्चा की गई। हनुमान जी महाराज का अनवरत निरंतर, जिसमें अंतर नहीं है, इस प्रकार से जप किया जाए तो जितने भी प्रकार के रोग हैं, यहाँ तक कि महारोग भव रोग, वो सबसे छुटकारा मिल सकता है। नासई रोग हरे सब पीड़ा, और सम्यक प्रकार की जो पीड़ा है, दुख है, कष्ट है, क्लेश है, वो सब मिट सकता है, परंतु उसके लिए जपत निरंतर दिन रात, अंतर नहीं आना चाहिए बीच में, किसी प्रकार का अंतराल नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का बीच में जिसको कहते हैं तेलबद्ध धारा से, मतलब वो जैसे तेल की धारा चले, बीच में से टूटे नहीं, इसी प्रकार से वीर हनुमान जी का जप किया जाए। अब कल भी इस विषय में चर्चा हुई कि निरंतर वाला जो शब्द है वो व्यवहार में कठिन दिखाई देता है, परंतु कोई भी कार्य कठिन जब तक है जब तक अभ्यास नहीं किया है। अगर अभ्यास किया जाएगा तो कठिन से कठिन कार्य सरल हो जाएगा। हनुमान जी का, वीर हनुमान जी का जो नाम है, उसका जप मन की माला से चले, तन की माला से नहीं, मन की माला से चले तो निरंतर हो सकता है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति कोशिश करता है कि निरंतर जप करेंगे, जैसे रात्रि में सोना पड़ जाता है कुछ समय, शारीरिक जो नित्य प्रति की क्रियाएं हैं उनमें नाम छूट जाए, तो ऐसी परिस्थितियों में हनुमान जी महाराज उसकी लग्न देख के, उसकी रुचि देख के, उसकी निष्ठा देख के उस पर कृपा कर देंगे। इसमें मतलब पहले से ही हार मानने की जरूरत नहीं है कि यह संभव है ही नहीं। अगर हम पहले से हार मान के बैठ जाएंगे कि यह तो संभव है ही नहीं, निरंतर तो करना ही नहीं है, जितना किया जाएगा हनुमान जी को लगेगा कि इसने प्रयास तो पूरा किया, परंतु शारीरिक असमर्थता के कारण, मानसिक असमर्थता के कारण जिस प्रकार से होना चाहिए था नहीं हो सका। अभी आपको मालूम है जब ये ओलंपिक में महिलाओं की हॉकी टीम पराजित हुई, फिर भी भारत में आके पुरस्कृत किया गया, और जब वहाँ उनको थोड़े से ग्लानी हुई थी तो नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने तुरंत उनको सांत्वना दी कि नहीं नहीं आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो प्रयास तो किया ना, पुरुषार्थ तो किया, और सफलता नहीं मिली। और हम हमेशा कहा करते असफलता में सफलता छिपी है, वो तो पता नहीं कहाँ से आ आके बैठ गया है पहला, नहीं तो सफलता ही है वो, तो अगर आ हट जाए तो सफलता है ही। निराश नहीं होना चाहिए, बारंबार प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और अगर निरंतर नहीं हो पाता है तो उसमें हमारा अहंकार पुष्ट नहीं होगा। अगर निरंतर हो गया तो हमारा अहंकार पुष्ट हो जाएगा कि हमने किया है। हनुमान जी ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से अहंकार पुष्ट ना हो,
और जप किया जाए, जप किया, किसी भी प्रकार से करो, किसी भी प्रकार से करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम जप के विषय में, साधक नाम जप ही लय लाए होई सिद्धि अनुमादिक पाए, लय लगा के जप करते हैं वही तेलवत धारा से। अब कुछ ऐसे हैं, नाम जी ही जप जाग ही जोगी, बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखई अनुभवई अनूपा, अकत अनामय नाम न रूपा। जाना चाहे गूढ़ गति जेव, नाम जी ही जप जाने देव। भगवान के चार प्रकार के भक्त हैं, वास्तविक में एक ही प्रकार के भक्त हैं कि जिनको भगवान से प्रेम है, और जो तीन हैं आर्त, नाम जन जपहि जन आर्त भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखाय। कष्ट के समय भगवान का नाम जप करते हैं, कष्ट की निवृत्ति के लिए भगवान का नाम जप करते हैं, वो भगवान के भक्त नहीं है, फिर भी भगवान कहते हैं कि ये मेरा ही भक्त है, क्योंकि मेरे नाम का इसको बल है, इसने किसी दूसरे का आश्रय नहीं लिया, इसने भगवत नाम का आश्रय लिया है। और नाम और नामी अभेद है, भगवान और भगवान का नाम अभेद है। इसी प्रकार से हनुमान जी महाराज देखते हैं कि बेचारा प्रयास कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो उसको उसका परिणाम मिलना ही चाहिए। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोला। जैसे हनुमान जी का एक नाम है संकट मोचन। भारत में जितने मंदिर हैं उनमें संकट मोचन हनुमान जी ज्यादा होंगे, ज्यादा हूं। हनुमान जी महाराज संकट से उस साधक को तुरंत छुड़ा देते हैं जो मन से, वाणी से और क्रियाओं के द्वारा हनुमान जी का ध्यान करता है। ध्यान जो ला, संकट में पड़ा है, ओ मेरे बाप, ओ मेरी माँ, बोई, मतलब इस प्रकार से जो माँ बाप को चिल्लाते हैं, हनुमान जी महाराज तो सोचते हैं कि चलो वो ठीक, परंतु मन में भी, वाणी के द्वारा भी और क्रियाओं के द्वारा भी हनुमान जी ध्यान में आए, हनुमान जी ध्यान में आ जाए और संकट की निवृत्ति के लिए प्रार्थना की जाए अथवा न की जाए। यहाँ ऐसा नहीं कहा गया है कि प्रार्थना करनी अनिवार्य है, ठीक है, संकट में है, केवल मन में, वाणी में और क्रियाओं में हनुमान जी उपस्थित हों, हनुमान जी को ध्यान से लाए या हनुमान जी को ध्यान में लाए, ऐसी स्थिति में संकट से हनुमान छुड़ावे। कोई भी संकट है तो हनुमान जी महाराज छुड़ा देंगे, उनको दया आएगी, अर्थात हम हनुमान जी की दृष्टि में आ गए कि हम संकट में हैं। वैसे हनुमान जी महाराज अंतर्यामी हैं, हनुमान जी महाराज सर्वज्ञ हैं, परंतु एक बात समझ लेनी चाहिए, सर्वज्ञ का अर्थ ये नहीं होता कि वो पूरी सृष्टि के सब लोगों पे अपनी दृष्टि रखें, संसार में कौन क्या कर रहा है, जो अनैतिक कार्य कर रहे हैं, अनर्गल कार्य कर रहे हैं, उनकी तरफ हनुमान जी नहीं देखते हैं, परंतु जो मन से, वाणी से और क्रियाओं से हनुमान जी का ध्यान करता है, हनुमान जी को ध्यान में लाता है, उसके संकट को हनुमान जी छुड़ाते हैं। हनुमान जी की तरफ से कोई भेद नहीं है, परंतु अब हनुमान जी मान लो 7 अरब दुनिया की जनसंख्या, और
हनुमान जी को ध्यान में लाने वाले लोग बहुत कम होंगे, कम होंगे। तो हनुमान जी महाराज फिर भी कम भी करोड़ों की संख्या में होंगे। ऐसा नहीं कि कम का अर्थ दो पांच की गिनती नहीं, वो भी करोड़ों की संख्या में होंगे। और हनुमान जी महाराज सबका संकट दूर कर देते हैं। प्रश्न होगा कि अगर मान लो एक साथ 50 व्यक्ति 1000 व्यक्ति संकट में हैं, तो हनुमान जी क्या करेंगे? पहले किसका संकट दूर करेंगे? हनुमान जी महाराज हजारों रूप में अपने आप को विस्तार करके सबके संकट को एक साथ दूर कर देंगे। तो लोगों को लगता है कि हनुमान जी एक साथ इतने रूप बनाएंगे तो उनको कोई श्रम नहीं। हनुमान जी महाराज का संकल्प सिद्ध है। हनुमान जी के अंदर जैसा विचार आया कि 1000 व्यक्ति स्मरण कर रहे हैं संकट से निवृत्ति के लिए, तो हनुमान जी के 1000 रूप उस समय हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। व्यक्ति जब बहुत लंबे समय तक निसंकल्प रहता है, मतलब संकल्प शून्य अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसके संकल्प में एक बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है और जो वो संकल्प करता है वो तत्काल पूरा हो जाता है। आप सब भी अगर संकल्प कम करें या ना करें तो आपके संकल्प सिद्ध होने लगेंगे, परंतु जब आपके संकल्प सिद्ध होंगे तो फिर आप ज़्यादा संकल्प करोगे। तो ऐसी स्थिति में फिर वो आपकी सिद्धि खत्म, जो बारंबार संकल्प, क्योंकि संकल्प शून्य अवस्था से संकल्प की शक्ति, इच्छा शक्ति, विल पावर बढ़ती है और व्यक्ति जो संकल्प करता है, तो हनुमान जी महाराज तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं, साक्षात ब्रह्म ही हैं। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, इनके का सकल तुम साजा। एक श्लोकी रामायण में, एक श्लोकी भागवत भी है और एक श्लोकी रामायण भी है। एक श्लोक में आदो राम तपो वनादिगमनम अथवा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम। सुग्रीव संभाषणम और बाली निर्दलम और रावण कुंभकरण हन्नम एतत् श्री रामायणम। हमें पूरा श्लोक ठीक से याद नहीं है क्योंकि हम तो स्तुति में खड़े नहीं होते, नहीं तो स्तुति में ये श्लोक रोज बोलते हैं, सब बोलते हैं, परंतु भागशाली जो है, जो समझदार लोग हैं, वो आरती स्तुति में खड़े होते हैं। और सब पर राम तपस्वी राजा, आदो कौशल्या गर्भजन्नम, ऐसा भी प्रारंभ हो सकता था इस, जैसे आदो देव की देव गर्भजन्नम, इस प्रकार से ऐसा हो सकता था, परंतु ऐसा नहीं। आदो राम तपो बना दी, तपोवन में भगवान श्री राम गए, वहां से रामायण शुरू होती है। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं सब पर राम तपस्वी राजा। राजा कहाँ के हैं ये? जब माता कौशल्या जी के पास भगवान श्री राम वन में जाने के लिए, विदाई के लिए पहुंचे,
तो माता जी ने कहा, माता जी को ये घटना नहीं मालूम है कि माता कैकेयी ने इस प्रकार का वरदान मांगा है और घटनाक्रम बदल चुका है। तो माता जी ने कहा, भाई देखो वहाँ बहुत भीड़ है और वहाँ जाओगे कितना समय लगेगा कुछ मालूम नहीं है, इसलिए सबसे पहले कुछ मधुर भोजन करके, मधुर भोजन इसलिए कि जैसा हम आहार करते हैं वैसे फिर हमारे हार्मोन्स तैयार होते हैं और हार्मोन्स के अनुसार हमारे विचार बुद्धि हो जाते हैं। तो मधुर भोजन से मधुर विचार होंगे, मधुर व्यवहार होगा, सबके साथ भीड़ होए तो सबके साथ मधुर व्यवहार करना। तो माता जी ने, कौशल्या जी ने कहा कि कुछ मिष्ठान ग्रहण कर लो, उसमें सूखे मेवा भी हैं और तैयार किए हुए फलारी मावा इत्यादि के मिष्ठान भी। तो भगवान श्री राम ने कहा कि मेरा प्रमोशन हो गया। कहा कैसा प्रमोशन हुआ भाई? कहा कि भगवान महाराज दशरथ ने पहले राम ही करहूं काल जुबराज, कल मैं राम जी को युवराज पद पे अभिषिक्त करूंगा, ऐसी घोषणा की थी। परंतु आज पिताश्री को लगा कि नहीं नहीं अब इनको सीधे राज दे दो। माता जी ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, अगर ऐसा भगवान के राज की बात आ रही है तो। कहा कि अच्छा, तो आज राज्याभिषेक होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पिता दीन मोही कानन राज, मेरे को पिताश्री ने वन का राज दिया है, तो वन में यह सब पर राम तपस्वी राजा, सबके ऊपर तपस्वी। और हमने आपको पहले भी बताया है वाल्मीकि जी तपस्वी हैं, ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी बाघ विदाम्बरम। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वो भी तपस्वी हैं, ते ही अवसर एक तापस आवा तेज पुंज लग वय सुहावा कभी अलखित गत वेश विरागी। स्पष्ट गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहाँ अपना परिचय दिया है, कभी जो है अलखित वेश में है अर्थात उसको कोई देख ना सके, और वो वैरागी वेश है, वेश वैरागी ते ही अवसर एक तापस आवा। तो वैरागियों का जो है वो तपस्वी वेश है। ये तो जो इधर उधर बाहर दौड़ धूप का काम करने वाले साधु रहते थे वो फिर दूसरे प्रकार के वस्त्र इत्यादि धारण करके, क्योंकि उनको समाज में इधर उधर जाना पड़ता था इसलिए वो सब ये सब करते थे। परंतु जो साधना वाले संत हैं और जो साधना करके सिद्ध कोटि की स्थिति में पहुँचे वो सब तपस्वी ही रहते थे, वैरागियों में सब तपस्वी ही रहते थे गोस्वामी तुलसीदास जी के समय तक। उसके बाद समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं तपस्वी हैं और तपस्वी वेश में राम जी का ध्यान उनको बहुत अच्छा लगता है। राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी और ध्यान सकल कल्याणमय तुलसी सुरतर तोर। ये जो ध्यान है ये वनवासी राम का ध्यान है और ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये ध्यान बहुत बहुत अच्छा है। वैसे तो रामचरितमानस में एक बड़ा विचित्र ध्यान है, लंका नगरी में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के गोद में सिर रख के लेटे हुए हैं और विभीषण जो हैं उनके कान के पास कुछ मंत्रणा विचार कर रहे हैं, सुग्रीव पास में बैठे हुए हैं और अंगद और हनुमान जी महाराज चरण कमल चापत विधि नाना बड़ भागी अंगद हनुमान। ये जो ध्यान है इसका मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत प्रशंसा की,
बहुत प्रसन्नता। इस का कारण क्या है? मोह की नगरी लंका, मोह की नगरी में भगवान श्री राम पधारे और विभीषण जैसे मित्रों की सलाह सुन रहे हैं। सुग्रीव पास में बैठे हुए हैं, मित्र दोनों उनके नजदीक बैठे हुए हैं और सेवक ज्ञानी नाम अग्रगण्य श्री आंजने और श्री अंगद जी उनके चरण कमल की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा जो ध्यान करते हैं वो धन्य हो जाते हैं, धन्य हो, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। परंतु अपने लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुरतर तुलसी तोर राम बाम दिस जान की लखन दाहिनी और ध्यान सकल कल्याणमय। पहली बात, सम्यक प्रकार का कल्याण देने वाला ध्यान है ये। सुरतर तुलसी तोर, तुलसीदास तेरे लिए तो ये साक्षात कल्प वृक्ष के समान है। तो मतलब तपस्वी समाज को गोस्वामी तुलसीदास जी, हमने पहले भी कहा, जो जिस देश और समाज में होता है उसके प्रति कुछ ना कुछ विशेष भाव बनना ही रहता है, होगा, अपने आप बना बनेगा, कहने और करने की बात नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का भी तपस्वियों के प्रति जरा विशेष स्नेह है, और स्नेह में इस प्रकार से, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके का सकल दुख साझा, उनके कार्य आपने सभी संभाले हैं। भगवान श्री राम हत्वा मृगाकांचनम, मृग को वध करके, ये जो लंका का ध्यान अभी बताया था इसमें लक्ष्मण जी ने मृगछाला बिछा दी। रामचरितमानस में भगवान मृगछाला पे कहीं बैठे हुए नजर नहीं आते, रामचरितमानस की बात करते हैं। वैसे तो अन्य ग्रंथों में चीर कृष्णा जी नाम पर काले मृग का अजिन मतलब चर्म वस्त्र के रूप में भगवान धारण करते हैं। चीर कृष्णा, चीर यानी वस्त्र, कृष्ण मतलब काला, मृग का अजिन, ऐसा भगवान चीर कृष्णा जिनाम्बरौ अजिन अंबर के रूप में धारण करते हैं भगवान। परंतु कहीं रामचरितमानस में मृग चर्म पे बैठने की बात नहीं आती है, कहीं नहीं आती है। और ये मृग चर्म आया कहाँ से? तो कहा जाता है, आनव चर्म कहत वैदेही, और भगवान सत्य सन प्रभु बधकर एही। एक शब्द और जोड़ दिया था माता जी ने, सत्य संग है प्रभु, और इसका वध करके इसका मृग चर्म ले आइए। तो भगवान सत्य प्रतिज्ञ है और माता सीता जी की बात पूरी करने के लिए उसका मृग लाए, मृग का चर्म लाए हैं। वो तो मारीच के रूप में प्रकट हो गया है, परंतु भगवान का जो बाण लगा है वो मृग के लगा है, और भगवान का बाण लगने के बाद वो मृग में से जो जीवात्मा है वो मारीच के रूप में प्रकट हुआ है, और वो शरीर जो है मृग का वो वहीं घिरा है, और उसका चर्म जो है भगवान श्री राम लाए हैं, और लक्ष्मण जी उसको छिपा के रखते थे, क्योंकि इसको देख के भगवान की विरह अग्नि जो है और भपकेगी। और ऐसी स्थिति में तो लंका में पहुंचने के बाद लक्ष्मण जी ने उसको बिछा दिया। आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें यह स्पष्ट दिखाई देगा कि लक्ष्मण जी ने अपने हाथ से वो मृग चर्म बिछा दिया है। तो वो मृग चर्म इसीलिए बिछाया गया था
क्या भगवान को वो स्मृति हो, क्योंकि भगवान दूसरों के द्वारा किए हुए दोष दुर्गुणों को भूल जाते। करत सुरत सय बार ही एक ही, और अगर किसी से कोई अच्छा कर्म हो गया या उसके मन में सत्संकल्प आ गया तो उसको बारंबार स्मरण करते हैं, बारंबार स्मरण करते हैं, परंतु उसके दोष दुर्गुण और उसके दुष्कर्म उसको भूल जाते हैं। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि अभी तो भगवान भूले हुए हैं, ये चर्म बिछा देंगे तो सब याद आ जाएगा, और इसलिए वहाँ वो चर्म बिछाया गया है, विशेष उद्देश्य बिछाया गया है। तो सब पर राम तपस्वी राजा, इनके कार्य, कौन सा कार्य था? भगवान चाहते हैं सभी व्यक्तियों का, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया, ये भगवान श्री राम का कार्य है। रावण के विषय में भगवान ने अंगद से कहा, काज हमार तास हित हो, हमारा कार्य केवल इतना है उसका हित होना चाहिए। भगवान का कार्य ये नहीं है कि रावण का वध होना चाहिए, रावण का वध करके या रावण को पराजित करके सीता जी को लाना, ये उनका कार्य नहीं है, उसका हित होना चाहिए। और आप देखेंगे रामचरितमानस में रावण वध के बाद सीता जी को लाने में कोई भगवान ने शीघ्रता नहीं दिखाई, शीघ्रता नहीं दिखाई। वो तो लक्ष्मण जी और श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु ये रावण का वध हो चुका है, भगवती सीता जो है, माँ सीता जो है, इस समय बहुत अधिक आशा में बैठी हुई हैं कि कब इस दुष्ट आताताई का विनाश हो और वो आपके दर्शन करें। फिर भगवान श्री राम की आज्ञा प्राप्त होती है। तो भगवान श्री राम का कार्य केवल इतना ही है, सबका हित, सबका हित किस प्रकार से हो सकता है, सबका कल्याण किस प्रकार से होता है। अगर रावण का हित, अगर रावण सदमार्ग पर पहले आ जाता, विभीषण ने 19 बार समझाया गया रावण को, उन रामचरितमानस के अनुसार 19 बार मंदोदरी समझाती है, अंगद समझाते हैं, मारीच समझाता है, अनेक अनेक सब समझा रहे हैं, परंतु लाग ना और उपदेश, किसी का उपदेश उसको लगा नहीं, लगा नहीं। तब मजबूरी में भगवान को उसका वध करना पड़ा, वध करना पड़ा है, नहीं तो बारंबार भगवान ने अवसर दिया है उसको कि अभी भी सही रास्ते पे आ जाइए, सही रास्ते पे आ जाए। और पर रावण तो नहीं आया, सही रास्ते पे नहीं आया, और अंतिम समय तक भगवान से बैर भाव रखते, मरते समय भी कहाँ राम रन हतऊं पचारी, राम कहाँ हैं, मैं उनको ललकार के मारूंगा, पचारी मतलब वहां तक उसने बैर भाव छोड़ा नहीं। मरने के बाद यह आवाज आई, कहाँ से आई आवाज, नाभि से आई है, और वो बेखरी बानी वाला सिर अलग जाके गिर गया है, और मध्यमा का जो शब्द है जो कंठ के द्वारा, तो उसको सिद्ध महापुरुषों ने समझा है, सिद्ध महापुरुषों ने समझा है, और साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो राम जी के सब काज संभारे हनुमान जी महाराज, वनवासी राम के सब काम संभालते हैं, और उसमें जीवन में जो सबसे बड़ा कार्य है जिसके लिए भगवान ने हमको ये मानव जीवन दिया है, सीता शोध, मतलब आदिशक्ति पराम्बा जगदम्बा का शोध कार्य करो और उसका दर्शन करो, उसका आशीर्वाद पाओ, और उनके आशीर्वाद से करूं बहुत रघुनायक
छोहू। मतलब भगवान श्री राम जो हैं उनके प्रेमी बने, बस जीवन का सबसे श्रेष्ठ एकमात्र उद्देश्य इतना ही है कि पहले आदिशक्ति भगवती जगदम्बा तक हम पहुँचें, उसमें पहुँचने में जो विघ्न आते हैं, जो हनुमान जी महाराज के लंका की ओर प्रस्थान करने पर आए हैं, उन सब का किस किस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने समाधान किया है, विघ्नों को हटा दिया है, अवरोध जो आए हैं उनको हटाकर हनुमान जी महाराज किस प्रकार से आगे बढ़ते चले गए हैं, और हनुमान जी महाराज जब पुरुषार्थ करते करते थक गए, मतलब लंका में पहुंच गए और मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा देखे जयते अग्नि जोधा, पूरी लंका नगरी में एक एक घर को बीवी सन का घर छोड़ के सब घरों को हनुमान जी महाराज ने देख लिया, और मन में आया कि मैं सीता शोध नहीं कर सकता नहीं कर सकता। उसी समय भवन एक पुनि दीख सुहावा, जब व्यक्ति पूरा पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ में किसी प्रकार की कमी ना रहे और उसके बाद उसका अहंकार गलित हो जाए कि मैं अपने पुरुषार्थ से कार्य सिद्ध नहीं कर पा रहा हूं, और उसी समय भगवान रास्ता खोल देते। भगवान रास्ता कब तक नहीं खोलते हैं? जब तक व्यक्ति पुरुषार्थ करना बंद नहीं कर देना। बहुत से लोग हैं अगर इस बात को सुन के कहें कि हम पुरुषार्थ पूरा पुरुषार्थ करो, जितनी संभावना है, मतलब जितना अधिक पुरुषार्थ किया जा सकता है, जितनी संभावना है वो पूरा पुरुषार्थ किया जाए, और उसके बाद लगे कि हम अपने पुरुषार्थ से। भगवान बुद्ध के जीवन में भी ऐसा ही हुआ है, उन्होंने साधना करते करते अंतिम में उस स्थिति पे पहुंच गए हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और निश्चय कर लिया कि अब कल से साधना बंद, मतलब रोज प्रातः काल जल्दी उठना, नदी पे जाके स्नान करना, स्नान करके आके ध्यान में बैठना, तो सोचा कि अब कुछ होता ही नहीं है, शरीर अस्थि मात्र रह गया है, बहुत निर्बल है, फिर भी रोज का अभ्यास है, तो रोज के अभ्यास के अनुसार स्नान करने के लिए गए, परंतु रास्ते में ही गिर गए, मतलब शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो वहां तक पहुंच सके, और जब गिर गए तो थोड़ा मूर्छा आ गई, और उसी समय एक सुजाता नाम की कन्या जो वहां के सरपंच की, मतलब आजकल की भाषा में हम बोल रहे हैं, गांव का मुखिया जो भी था उसकी बच्ची है वो, तो उसने मनोती की थी वन देवता की, तो वन देवता के लिए दूध लेके जा रही थी एक पात्र में के वन देवता को दूध चढ़ाना है। उसने देखा कि एक भिक्षु जो है ऐसा पड़ा हुआ है, तो उसको नहीं मालूम पड़ा कि ये जीवित है या मुर्दा है, उसके मन में विचार आया कि अगर ये जिंदा होगा तो हम इसके मुख में दूध डालेंगे तो ये दूध अंदर उतरेगा। होता है जब व्यक्ति का प्राण निकल जाता है फिर उसके मुख में कोई चीज डालो तो वो अंदर नहीं जाती, हमारा जो अंदर का संकल्प होता है कि हम दूध अंदर ग्रहण करते हैं तब वो दूध अंदर उतरता है, अगर हमारे अंदर का संकल्प काम करना बंद कर दिया है तो फिर कोई भी चीज अंदर नहीं उतरेगी। तो सुजाता ने थोड़ा सा दूध मुख में डाला, वो अंदर चला गया, फिर और जितना लाई थी वो सब दूध, और दूध में एक विशेष गुण है, वो
ये दो बंगाली महात्मा हुए हैं और हमारी स्मरण शक्ति ठीक नहीं रहती है, उनके नाम अभी ख्याल नहीं आ रहे हैं, और दोनों बहुत उच्च धनाढ्य परिवार के थे और वो सब छोड़ के संत बने थे। तो एक बहुत निर्बल हो गए थे, तो वो अपने भाई के पास, वो भी संत हैं, उनके पास पहुंचे तो देखा कि ये बहुत कमजोर हो गया है भाई। तो उन्होंने कहा कि इसको क्या करना चाहिए, पायस, दूध में पका हुआ चावल, जिससे शरीर को तत्काल ताकत मिलती है। अगर दूध बहुत जल्दी कार्य करता है और अगर उसमें केसर मिला दो तो और जल्दी कार्य करेगा, और जल्दी कार्य करेगा। इसीलिए अपने यहाँ दूध पाक में केसर भी छोड़, अगर किसी को जल्दी शरीर को ताकत देनी है, कितना ही निर्बल कमजोर क्यों ना हो, तो उस सुजाता बहन ने मुख में दूध दिया और दूध पी के उनको कुछ चेतना आई, और तो सुजाता तो तुरंत अपने पिता के पास गई और पिता से जाके कहा कि इस प्रकार से एक भिक्षु पड़ा है। फिर बाद में उनके पिता आए हैं, उनकी दाढ़ी वाड़ी बनवाए हैं, ये जो बुद्ध की मूर्तियां हैं, बुद्ध के फोटो, इनमें दाढ़ी मूछ कुछ नहीं है उनके, क्योंकि उनको देवता बनाना है। अब देवता बनाने के लिए देवताओं के दाढ़ी मूछ होती नहीं, ब्रह्मा जी के जरूर दाढ़ी मूछ है, परंतु अन्य देवताओं के नहीं है। तो अब बुद्ध को देवकोटि में लाना है, तो उनके जितने भी फोटो मिलेंगे, आप जितने भी मूर्ति मिलेंगे, दाढ़ी मूछ बाल हैं, घुंघराले बाल, तो उनके पिता ने आके उनके नाई को बुला लाए, हजाम को बुला लाए और दाढ़ी वाड़ी साफ करवाई, अच्छे कपड़े। उसके बाद जब बुद्ध ध्यान में आके बैठे हैं, उसी समय उनको बोध की प्राप्ति हुई है। वो जो बोध गया में बोधि वृक्ष है, उसके नीचे आके बैठे हैं वो, और ज्ञान मतलब पूरा पुरुषार्थ करने के बाद जब व्यक्ति को लगे कि हम कार्य करने में असमर्थ हैं, तब भगवान की कृपा होती है। तो हनुमान जी महाराज जब सीता शोध करते करते प्रयास के रूप में सब प्रयास कर लिए, पूरी लंका को एक एक घर अच्छे ढंग से जा जा के देख लिया, परंतु कहीं भी सीता जी का कोई पता नहीं लगा, तब अंतिम में निराश हो गए थे। और उसी समय भवन एक कुनी दीख सुहावा, हरि मंदिर तहां बिन बनावा, बस भगवान का मंदिर देखा, विभीषण का भवन देखा, रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णी न जाए, हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। और उसी समय विभीषण जागते हैं और राम राम ते ही सुमरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। फिर विचार आया कि यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, लंका निश्चल निकट निवासा, लंका तो राक्षसों की नगरी है, परंतु हमेशा ख्याल रखना चाहिए, अगर केवल राक्षस ही राक्षस बसेंगे तो वो नगर रह नहीं सकता है, उसमें कोई ना कोई एक संत महापुरुष होगा ही, होना ही चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सिद्धांत दिया है, ये जो मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, ये चलता फिरता प्रयाग संत समाज, सभी सुलभ सब दिन सब देश, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें संत ना हो। भले ही हम नहीं पहचानते, पैंट शर्ट में होगा, टाई लगाए होगा, पर होगा, जरूर होगा। अगर संत नहीं है तो
तो ये वसुंधरा ये पृथ्वी कैसे धारण करेगी, कैसे धारण करेगी ये पृथ्वी जो धारण कर रखी है हम सबको, चाहे वो साध्वी हो, साधु हो, संत हो, वेश में हो या कुबेश में हो। किए कुबेश साधु सम्मान, कुबेश में भी साधुओं का सम्मान हो जाता है, होता है। तो हनुमान जी महाराज राम कार्य में सबसे बड़ा कार्य जो है वो यही है कि सीता जी की शोध, और सीता जी की शोध के बाद सीता जी का समाचार भगवान श्री राम तक पहुंचाना है, और फिर सीता जी तक पहुंचने के लिए पूरा वानर समूह किस किस प्रकार से वहां पहुंचता है। मतलब केवल परमार्थ की यात्रा करके हम अपने आप में संतुष्ट ना हो जाएं, हमने परमात्मा की प्राप्ति कर ली, हमने आदिशक्ति जगदम्बा भगवती का कृपा प्रसाद पा लिया, इसमें संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आओ, सब आओ और भगवती का सब साक्षात्कार करें। जब सब बानर भगवती सीता जी के दर्शन के लिए ललायत हुए तो विभीषण के जो सैनिक हैं, रावण तो चला गया, अब रावण के सैनिक तो नहीं रहे, तो विभीषण के सैनिक रोकने लगे और सीता जी को पालकी में लाया गया। भगवान श्री राम ने कहा कि देखो सीता जी को पैदल आने दो, और ये सब बानर अपनी माता की तरह इनका दर्शन करें, ललायत हैं। तो हनुमान जी महाराज केवल सीता जी का दर्शन करके संतुष्ट नहीं हुए, जब तक सभी बानरों को भगवती सीता जी का दर्शन हुआ तब उनको उससे संतुष्टि होती है। तो राम काज सब सभी जो वनवासी राम राजा हैं उनके सभी कार्य हनुमान जी महाराज ने संभाले हैं। उसमें रावण वध तक एतत् श्री रामायणम, पश्चात रावण कुंभकर्ण आदि हन्नम एतत् श्री रामायणम, तो ये जो एक श्लोकी रामायण है उसमें सब कार्य हनुमान जी महाराज संभाले हैं। एक एक कार्य पे ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाती है। राम जी का कार्य जिन्होंने संभाला है, राम अर्थात जो सारी सृष्टि में रमन कर रहे हैं उनका कार्य संभाला है, जो सारी सृष्टि जिसमें रमन करती है वो है श्री राम, तो ये राम जी का कार्य संभालते हैं, और तपस्वी राम जी का कार्य संभालते हैं। उसके बाद कहते हैं और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। इसके अतिरिक्त मतलब राम कार्य तो जीवन का परम ध्येय, परम आदि शक्ति जगदम्बा का साक्षात्कार, भगवान श्री राम के साथ शक्ति और शक्तिमान का मिलन, और उनका दासत्व। इसके अतिरिक्त अगर किसी की और कुछ इच्छा है, और मनोरथ जो कोई लाभ, इसके अतिरिक्त तो अगर कोई दूसरा कोई के मन में मनोरथ आता है, सोई अमित जीवन फल पावे, तो वो मनोरथ भी पूरा हो जाता है, उसके साथ साथ अमित जीवन फल वो भी प्राप्त हो जाता है। अमित जीवन फल अर्थात भगवान की प्रेमा भक्ति, वही जीवन का अमित फल है, अमित फल, क्योंकि उसकी इति नहीं है, अमित है वो। और भक्ति में पूर्णिमा नहीं होती है, पूर्णिमा का मतलब चंद्र की कला फिर घटनी शुरू हो जाती है, पूर्णिमा के बाद
तो भक्ति में पूर्णिमा होती ही नहीं है कि जिसके बाद घटने का क्रम शुरू हो, यह तो उत्तरोत्तर प्रेम जो है उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। यहाँ उतार नहीं है, केवल चढ़ाव ही चढ़ाव है, चढ़ते ही जाओ उत्तरोत्तर आगे बढ़ते चले जाओ अनंत तक। भगवान का प्रेम अनंत है और वहाँ तक चलते चले जाओ तो सोई अमित जीवन फल पाते, यहाँ अमित जीवन का फल उसको प्राप्त हो जाता है, दोनों बात हो जाती है, और मनोरथ भी प्राप्त हो जाते हैं और अमित जीवन का फल भी उसको प्राप्त हो जाता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, चारों युगों में हनुमान जी का प्रताप जो है वो प्रकट दिखाई देता है। पहले भी अनेकों बार कहा गया कि त्रेता में राम जी के साथ उनका प्रताप प्रत्यक्ष देखने को मिलता है, द्वापर में आपको मालूम है कि जिस समय भीम द्रौपदी के कहने से ब्रह्म कमल पुष्प लेने के लिए गए, भीम बड़ी जोर से गर्जना करते हुए चले जा रहे थे, हनुमान जी महाराज ने देखा है तो मेरा भाई भीम पवन पुत्र हैं, तो सोचा कि मेरा भाई है और ये यहाँ से आगे जा नहीं सकता है और यहाँ आके भी देव भूमि में इतनी जोर जोर से गर्जना कर रहा है, यहाँ का जो शांत वातावरण है, यहाँ जो सिद्ध महापुरुष रह के साधना रत हैं, यहाँ जो पवित्र स्पंदन भरे हुए हैं, उसमें ये विक्षोभ पैदा कर रहा है और संतों के जीवन में संत शांति से बैठे हुए हैं, हम उनमें विक्षोभ का कारण बनते हैं, हम वहाँ के पवित्र स्पंदनों में इस प्रकार का दूषित भाव फैलाते हैं, हम अपराधी होते हैं, हम अपराधी होते हैं। तो हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि मेरा भाई अपराधी हो रहा है, तो इसके अपराध को रोकने के लिए हनुमान जी महाराज जिस मार्ग से भीम आगे जा रहे थे उसी मार्ग में अपनी पूंछ लंबी करके एक स्थान विशेष पे शांति से लेट गए बैठ गए। भीम आए, भीम ने देखा रास्ते पे पूंछ पड़ी हुई है, भीम ने कहा हे बानर ये पूंछ हटा लो, मैं किसी के ऊपर से लांघ के नहीं जा सकता, किसी भी प्राणी का तिरस्कार नहीं कर सकता, भीम ने ऐसा कहा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, अगर तुम ऐसा लांघ के नहीं जा सकते तो मेरी पूंछ को हटा के चले जाओ, अपना रास्ता बना लो। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगाई परंतु हनुमान जी की पूंछ हिली नहीं। आपको मालूम है हनुमान जी की पूंछ में संपूर्ण शिव शक्ति है, संपूर्ण शिव शक्ति है, शिव के रूप में हनुमान जी महाराज प्रकट हुए हैं, उनकी शक्ति उनके पूंछ के रूप में उनके साथ है, तो वो शक्ति जो है संपूर्ण शिव शक्ति जो है वो पूंछ में है, भीम हिला नहीं सकते, पसीना पसीना हो गए, हिमालय में पसीना पसीना। उन्होंने वैसे भीम समझदार है, काफी समझदार है, उनका जीवन का अगर आप अध्ययन करेंगे तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं। भीम ने कहा कि कोई साधारण बानर नहीं हो सकता और उन बानर से प्रार्थना की कि आप कौन हैं, अपना वास्तविक रूप मेरे को दर्शन दीजिए, वास्तविक रूप में आप अपना दर्शन दीजिए और मेरे को कृतार्थ कीजिए। हनुमान जी महाराज ने कृपा की और फिर भीम ने कहा कि मैंने सुना था कि
आपने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया, कनक भूदरा कार शरीरा, आपका शरीर तो बहुत विशाल था। कहा कि उस रूप को तुम नहीं देख सकते हो, इसलिए तुम जिस रूप को देख सकते हो उसी रूप में मैंने आप पे कृपा की है। आज भी हनुमान जी भक्तों को उसी रूप में दर्शन देते हैं जिसमें हम उनको देख सकते हैं। विशाल रूप में दर्शन देंगे हम नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। अर्जुन को विराट रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अपना दर्शन दिया, अर्जुन भयभीत हो गए और उन्होंने कहा प्रभु आप अपने चतुर्भुज रूप में आ जाओ, ये रूप आपका मैं अब नहीं देख सकता हूँ। कांपने लगे, कंपायमान होने लगे। इसी प्रकार से भीम जब ऐसा आग्रह किए कि आपका वो विशाल स्वरूप जो राक्षसों के वध के समय था वो मैं देखना चाहता हूँ, तो हनुमान जी महाराज ने कृपा करके वो रूप दिखाया है। भीम एकदम भयभीत होकर कांपने लगे हैं, चरणों में पड़ गए हैं, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की है कि प्रभु आप पुनः उसी रूप में आ जाइए। भीम ने हनुमान जी से प्रार्थना की है कि इस प्रकार से दुष्ट दुर्योधन ने छल पूर्वक जुए के द्वारा हमारा सब कुछ अपहरण कर लिया, छीन लिया है और अब महाभारत युद्ध होगा, उसमें आप हमारा सहयोग करें। हनुमान जी ने कहा ये साधारण से युद्ध में मैं सहयोग के लिए अगर प्रत्यक्ष आ गया तो कोई सामने ठहर नहीं पाएगा, इसलिए इतना है अर्जुन के रथ की ध्वजा पे मैं विराजमान रहूँगा और समय समय पे हुंकार हाँक सुनत रजनीचर भाजे, और बस। तो हनुमान जी महाराज समय समय पे गर्जना करते रहे, और हनुमान जी की गर्जना आप तो जानते हैं, चलते हो जब लंका से चलने लगे हनुमान जी महाराज तो जोर से गर्जना किए, गर्भ श्रवई सुन निश्चर नारी। हनुमान जी ने सोचा कि भगवान ने प्रतिज्ञा की है निश्चर हीन करो मई भुज उठाई पन कीन, तो राक्षसों का वध तो हो जाएगा। अब उसमें जो इनके गर्भ में शिशु पल रहे हैं उनका जन्म बाद में होगा और युद्ध के बाद फिर वो तो फिर आताताई बन के पूरे समाज को परेशान करेंगे, इसलिए इनका काम भी अभी तमाम करके चलना चाहिए। तो जोर से गर्जना की है गर्भ श्रवण, तो माताओं के गर्भ गिर गए। तो कहने का मतलब हनुमान जी महाराज जो हैं और भीम से कहे कि हम इस प्रकार से तुम्हारी सहायता करेंगे, और जिस समय महाभारत युद्ध पूरा हुआ, महाभारत युद्ध पूरा हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा हनुमान जी से कि अब आप इस रथ को छोड़ के, जैसे ही हनुमान जी महाराज रथ से मतलब पलायन किए, रथ से आगे बढ़े और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उतारे और स्वयं रथ से उतरे, तो रथ जलने लगा। अर्जुन ने कहा भगवान ये सब कहा कि हनुमान जी के प्रभाव से ये रथ जो है बचा हुआ था, नहीं तो कर्ण के द्वारा, भीष्म के द्वारा और अनेक द्रोणाचार्य इत्यादि के द्वारा दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ था और उन दिव्यास्त्रों से ये रथ नहीं बच सकता था, परंतु जब तक यहाँ हनुमान जी विराजमान थे, वैसे भगवान अपना नाम नहीं लेते हैं परंतु भगवान भी साक्षात उसमें विराजमान थे, तब तक ही वो रथ सुरक्षित था। तो हनुमान जी महाराज का जो प्रताप है, द्वापर हो त्रेता हो और कलयुग में तो प्रत्यक्ष देखने को मिल ही रहा है, और सतयुग में हनुमान जी महाराज जो हैं ऋषि महर्षियों को ज्ञान देते हैं। हनुमान जी जामवंत जी ये सब, जामवंत जी ने कहा है जब भगवान ने वामन रूप धारण कहा तब मैं तरुण रहूं बल भारी, मैं उस समय तरुण अवस्था में था। द्वापर में भी जामवंत जी हैं,
वो अपनी कन्या जामवंती को भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो ये सब कोई लोग समझते हैं कि जैसे भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ तो हनुमान जी छोटे बालक थे, ऐसा नहीं है। हनुमान जी महाराज उस समय बहुत बड़ी आयु के थे, बहुत बड़ी आयु के थे, ऐसे नहीं थे कि बिल्कुल छोटे बालक थे। सतयुग में हनुमान जी महाराज ऋषियों को ज्ञान देते हैं, ऋषि उनके नज़दीक बैठ के ज्ञानार्जन करते हैं, हनुमान जी महाराज उनको ज्ञान देते हैं। तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में हनुमान जी का प्रताप जो है प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, हे जगत में प्रकट प्रकाशित हो रहा है, उजियारा मतलब प्रकाशित हो रहा है, ये जो उज्ज्वल हनुमान जी महाराज का प्रताप है ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद जो भी है साधु संत के तुम रखवारे, तो समय के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम।